हेलो दोस्तों वेलकम टू वन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैं सुमित सारडा यहां आपके लिए सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें लेके आया हूं बिफोर मूविंग हेड सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ही नहीं दूसरी कई सारी फैकल्टीज इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रही है पहली बात दूसरी बात लाइक कीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आया तो Uh, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर में भी कवर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए uh, सबसे एक अन एजुकेटर का जो ऐप होता है उसे डाउनलोड कर लीजिए फिलहाल हम लोग जो भी वीडियोज़ डाल रहे हैं ये सारे हम यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं पर आगे जाके यही वीडियोज़ फ़िलहाल हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं मेरा जो फाइव हंड्रेड का टारगेट है वो जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ वो सीरीज़ मेरी अन uh, एजुकेटर के ऐप में इन द नेम ऑफ लाइव क्लास स्पेशल क्लास आगे बढ़ेगी एंड इट विल बी फ्री पैसे नहीं रहेंगे पर फिलहाल हम जो YouTube में चला रहे हैं वो आगे वहां पे कंटिन्यू होगा तो Google स्टोर के अंदर में आप लोगों को Google स्टोर के अंदर में आप लोगों को अनअकेडमी ऐप डाउनलोड करना है अनअकेडमी लर्निंग का या फिर आपका Apple Play स्टोर के अंदर में उसे करना है इंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद में आपको जाना है प्लस कोर्सेज में अंडर सी ए फाइनल्स और वहाँ पे जाना है सब्सक्रिप्शन में ना वैसे तो लाइव क्लास है लाइव क्लास का प्रॉब्लम नहीं है मतलब जो स्पेशल क्लासेस है वो भी फ्री रहेंगी बट बाय चांस आपको कोई फास्ट ट्रैक करना है रिवीजन करना है या आपको फुल कोर्स रेगुलर कंप्लीट करना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट अगर आप फास्ट ट्रैक वगैरह कर रहे हैं तो फोर पर मंथ यानी मैं मंथ पर मंथ अगर बोलू तो ये अगर मैं बोलू तो अमाउंट इज सोलेस आप इस कॉस्ट में सारे सब्जेक्ट्स एक महीने तक के हर फैकल्टी के हर सब्जेक्ट की मल्टीपल फैकल्टीज मल्टीपल व्यूज देख सकते हैं तो दैट इज द एडवांटेज 4500 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है ये अगर हम लोग 12 मंथ या 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की बात करें जैसे कि आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं तो फीस इज 24,000 और 36,000 स्टिल कंपैरेटिवली वेरी लेस अगर आप सुमित सीए कोड यूज करते हैं तो आपको फर्दर 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में ठीक है हर रोज सुबह क्लासेस का टाइमिंग क्या है मैं हर रोज सुबह छः से सात क्लास ले रहा हूँ अलीना रईस मैम सेवन टू एट लॉ अतुल अग्रवाल सर टेन टू इलेवन ए कॉस्टिंग अभिषेक बंसल सर ऑडिट इवनिंग सिक्स टू सेवन पी एम साहिल जैन सर डायरेक्ट टेक्स सेवन फिफ्टीन टू एट फिफ्टीन पी एम अजय अग्रवाल सर रिस्क मैनेजमेंट एट थर्टी टू नाइन थर्टी एंड गुरु गुप्ता सर नाइन फोर्टी फाइव टू टेन फोर्टी फाइव ऐग लो ठीक है तो चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हम हमारे कंटेंट पे आते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जी एफ आर एस सुनते से ही एकदम से बैकआउट मत कर जाना कि अरे जी एफ आर एस पढ़ा रहे हैं सर हम एफ आर ही पढ़ रहे हैं एफ आर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि जी एफ आर एस के एग्जाम पेपर्स में सारे इंडिया के ही क्वेश्चन हैं तो इसीलिए हम लोग वो वाले सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 19 पेपर ठीक है तो नवंबर 19 पेपर आप एक बार ओपन कर लीजिएगा मेरे साथ पढ़ रहे हैं वैसे तो मैं क्वेश्चन काफ़ी देर तक के पढ़ता हूँ तो ऐसा आपके सामने नहीं भी रहा तो चलेगा बट स्टिल ओपन कर लीजिए वुड बी फॉर योर कन्वीनियंस हम फिलहाल केस स्टडी थ्री पे है जैसा कि मैं हर रोज हर क्लास में बोलता हूँ एक बार फिर से बोलना चाहूंगा हर रोज़ सुबह छः से सात क्लास लेने का मोटिव सिर्फ एक ही है पहले मेरा जो टारगेट है वो है 500 हंड्रेड क्वेश्चन फाइव हंड्रेड क्वेश्चन हम नवंबर 20 एग्जाम के पहले पहले 500 सौ क्वेश्चन सोल्व कर ले हर रोज सुबह छः से सात क्लास कर करके ताकि स्टूडेंट सुबह उठे क्लास करे और उसके बाद बाकी पूरा का पूरा जो टाइम है वो टाइम अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को डिवोट कर दे ये 500 हंड्रेड क्वेश्चन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बैंक गिवन बाय आई रहेगा मतलब हम कोई फालतू इजी ईजी क्वेश्चन भी कवर नहीं कर रहे ये वही क्वेश्चन होंगे जो आप लोग अपनी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं इसके साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है एग्जाम के लिए ठीक है और हमारे इस टारगेट के साथ हमारे इस टारगेट के साथ आप रफली पकड़ के चलिए सेवेंटी टू एट्टी मार्क्स का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम का जो रहता है वो ठीक है यहां हम पूरे इंडिया के क्वेश्चन देख रहे हैं सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग वी आर ऑन पेज नंबर सेवनटीन थ्री पॉइंट फोर ठीक है पिछले वीडियो तक तो हमने 3.3 कवर कर लिया था अब हम 3.4 के साथ आगे बढ़ रहे हैं आपको कुछ भी डाउट होगा ये क्लास लाइव है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आप बाद में देख रहे वॉट इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर इंडेज फॉर द शेयर ऑप्शन ग्रांटेड बाई गिमिटेड टेक्निकल डायरेक्टर चलिए हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि ये टेक्निकल डायरेक्टर क्या है अगेन मूविंग अड दो न्यू मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर केस स्टडी में ढूंढता हूँ क्या होता है कि केस स्टडी में बीच बीच से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम बीच बीच का वो पार्ट उठा रहे हैं एंड एवरी पैरा इज इंडिपेंडेंट ऑल टुगेदर तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा ये यह बात आ, यहां मुझे डायरेक्टर्स की पॉइंट दिख रहे हैं गामा लिमिटेड ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू वन ऑफ इट्स टेक्निकल डायरेक्टर्स ऑन द कंडीशन डेट ही विल नॉट वर्क विद अ कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर के साथ आप काम नहीं करेंगे इस बात पे आप उसे शेयर ऑप्शन दे रहे हैं ठीक है फॉर अ पीरियड ऑफ

पेमेंट जो बोलता है कि अगर सर्विस कंडीशन होती है किसी क्वेश्चन में तो सर्विस कंडीशन के पीरियड में आपने इस कॉस्ट को अमोर्टाइज करना चाहिए जैसे दो लाख है और अगर ये तीन साल हम उस डायरेक्टर से सर्विस मांग रहे हैं कि भैया तो ती, तीन साल ये जॉब को नहीं छोड़ के जा सकता तो इस खर्चे को तीन साल में अपोर्शन करना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि ये सर्विस कंडीशन है ठीक है क्या आपको लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट की, कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है ये सर्विस कंडीशन है आपको लग रहा है ये सर्विस कंडीशन <clears throat> okay. नहीं है ये या नो लिख के एक बार बताइएगा मुझे ठीक है ओके मूविंग अहेड ये सर्विस कंडीशन नहीं है ये सर्विस कंडीशन नहीं है क्या डायरेक्टर बीच में छोड़ के जा सकता है हाँ जा सकता है बस उसे कंपीट नहीं करना है उसे हमसे कंपीट नहीं करना है वो आने वाले तीन साल हम लोगों के साथ कंपीट नहीं करेगा बस इतना सा क्लॉज है और कोई क्लॉज नहीं है उसके अंदर फंडा समझ गए समझ गए इसका मतलब हमें सर्विस पीरियड पे अमोर्टाइजेशन नहीं लगाना है नहीं लगाना है तो ऐसे में क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां आपने उसे शे बेस पेमेंट दे दिया और उसे बोल दिया भैया तू कंपीट मत करना आने वाले तीन साल वो जॉब छोड़ के जा सकता है मतलब हमारे लिए तो एक्सपेंस इमीडिएट है हमें उसका बेनिफिट सब्सिक्वेंटली कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ है नहीं यानी हमने उससे कोई सर्विस मांगी ऐसा नहीं है कोई परफॉर्मेंस मांगा ऐसा नहीं है कोई मार्केट कंडीशन दी ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है किसी भी तरह की चीज़ नहीं है ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग अब यहां पे इसीलिए ऐसे केस में इमीजिएट एक्सपेंस बुक किया जाता है आई होप इट इज क्लियर ये खर्चा इमीजिएटली टू लाख रुपीज का एक्सपेंस बुक कर दिया जाएगा ओके okay? कुछ भी डाउट हो तो पूछेगा नहीं समझ में आया तो पूछेगा मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शन क्या है हमारे पास गामा लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज टू लैक ओवर द पीरियड ऑफ थ्री इयर्स नहीं क्योंकि सर्विस कंडीशन नहीं है गामा लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस ऑफ टू लैक ओवर द पीरियड ऑफ थ्री इयर्स नहीं इमीजिएट करना है गामा लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस ऑफ टू लैक इमीजिएटली एंड रिवर्स द एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इफ द डायरेक्टर गोज

अगर डायरेक्टर छोड़ के चला गया तो क्या होगा क्या हम लोगों को शेयर ऑप्शन रिवर्स करना है देखो आपने उसको शेयर्स तो दे दिए आपने उसको शेयर्स तो दे दिए कि भैया तुझे तो को तीन साल तक के हमारे साथ कंपीट नहीं करना अब वो छोड़ के चला गया तो ये एक लीगल मैटर है सॉरी कम्पीट करने चला गया तो ये एक लीगल मैटर है ये एक लीगल इशू है ऑल टुगेदर आपके लिए तो आपको उसका बेनिफिट इमिजिएट मिल गया है हम ये मान रहे हैं सो इट इज टू बी एक्सपेंस इमीजिएटली क्या ये रिवर्स होगा ये रिवर्स नहीं होगा समझिए सर्विस कंडीशंस रिवर्स होती है सर्विस आपने सर्विस हमने बोला था आप तीन साल हमें सर्विस दीजिए आपने नहीं दिया तो हम जो एक्सपेंस बुक करते हैं हम उसे रिवर्स करते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन रिवर्स होती है हमने आपसे एक परफॉर्मेंस मांगी थी एक टारगेट मांगा था आप इतने यूनिट्स हमें बना के दीजिए आप हमें इतना प्रॉफिट अर्न करवा के दीजिए आपने नहीं अर्न करके दिया <laughs> तीन साल में तो हम उस एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे रिवर्सल का क्लॉज ही नहीं आता अब सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमने उसको शेयर दे दिए नॉन हो गया अब वो चला गया कहीं कंपीट करने तो फिर वो बात अलग है वो एक लीगल इशू हो गया वो ऑल टूगेदर द राइट आंसर ओवर हियर आई होप इट इज क्लियर ठीक है, है, है right clear, जो लॉजिक था वो मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे आप लोगों को मूविंग अहेड कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी डाउट होगा इमिजिएटली पूछ लीजिएगा सी एफ ओ ऑफ गामा लिमिटेड ज ट्राइंग हर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन आई एफ आर एस एंड यूएस गैप तो ये हम नहीं पढ़ेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है ये मैं छोड़ रहा हूँ आप जी एफ आर एस के स्टूडेंट हैं तो भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ हम मैं इसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा ऐसा नहीं है यू एस गैप आई एफ आर एस के डिफरेंसेज मैंने समझाए हैं जब मैं अपनी वीडियोज वगैरह पढ़ाता हूँ और वो कंटेंट मैं वैसे ही फ्री देता हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं मूविंग डाउन ओवर हेयर क्योंकि ये वीडियो हमारा सिर्फ डेडिकेटेड टू एफ आर एस स्टूडेंट्स इंडिया है firstly, gamma limited wants you to suggest whether gd limited can avail the exemption from the preparation and presentation of controlled financial statements, apps per applicable inders. Nice students, students, i the students, gfrs paper solved november 19, but try to understand we have paper 1 IndAS questions this is a question bank for you all. okay?

यहाँ पे हम सिर्फ उसका रिपीट वर्जन देख रहे हैं दो स्टूडेंट्स हुआ न्यू मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ डोंट वरी क्वेश्चन है योर एडवाइसरी क्लाइंट गामा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल एक्टिविटीज द ग्रुप होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एंटिटीज एज अंडर आपको अलग अलग एंटिटीज दिए हुए हैं गामा होल्ड्स हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट्स इन जी एंड डी गामा होल्ड्स मैं यहां बना देता हूं गामा के पास हंड्रेड परसेंट इन्वेस्टमेंट्स है जी में डी में हंड्रेड परसेंट ठीक है जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड होल्ड सिक्सटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट इन जी डी लिमिटेड रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली जी के पास भी है डी के पास भी शेयर्स है जी डी लिमिटेड के जी के पास है सिक्सटी परसेंट डी के पास है फोर्टी परसेंट रेस्पेक्टिवली गामा लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ कंसोलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ the ग्रुप फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द सेम इज एज अंडर आपको प्रॉफिट दिया है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम टोटलिव इनकम वो सब बातें बताई हुई है आपको ठीक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे चला गया मतलब क्वेश्चन अब चेंज हो गया यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक के था कहाँ तक के ये जो हमको डेटा दिया था यहां तक के ठीक है आई होप आप लोग समझ समझ गए गए ये ये डायग्राम आप लोग होंगे मैं इस क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन आपको बोल रहा है गामा वॉन्ट यू टू सजेस्ट जीडी लिमिटेड जो हमारे स्टेज में तीसरा था जीडी लिमिटेड कैन अवेल एग्जामेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी

बनाए तो क्या ये चलेगा इसकी चार कंडीशन दी गई है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन वन जीरो के अंदर consolidated financial statement में आपको चार दी है जिस केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं भी बनाए तो चलेगा ठीक है मैं जी के पॉइंट से बता रहा हूं वैसे जीडी की भी हो सकता है कोई वेरियस सब्सिडियरीज हो तो क्या जीडी ने भी अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं बनाया तो चलेगा क्या ठीक है तो हम अगर इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पढ़े जीडी लिमिटेड क्या जीडी लिमिटेड को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से एग्जेक्शन मिल सकता है चार कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए पहली कंडीशन आप लिस्टेड नहीं हो आप पब्लिक लिस्टेड नहीं रहना चाहिए सो जीडी लिमिटेड शुड नॉट बी लिस्टेड टू ठीक है लिमिटेड जीडी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिस्टेड नहीं होना चाहिए आपका डेट भी लिस्टेड नहीं होना चाहिए ना इक्विटी लिस्टेड होना चाहिए ना डेट लिस्टेड होना चाहिए दोनों में से कुछ भी लिस्टेड नहीं होना चाहिए ना इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड होना चाहिए ना इन द प्रोसेस यानी आपने अप्लाई किया है लिस्टिंग के लिए वो भी नहीं होना चाहिए Three, कोई तो ऊपर बैठा हुआ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहा है यानी जीडी के ऊपर कौन है देखो सिक्सटी परसेंट जीडी का जी के पास है तो मैं तो यही मानूंगा जीडी जी की सब्सिडियरी है डी की सब्सिडियरी नहीं है एज पर द गिवन फैक्ट्स क्या वो डी की सब्सिडियरी हो सकती है हो सकती है अगर मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग वगैरह सिग्निफिकेंट एक्टिविटी डी कंट्रोल करता है वो बात अलग है होल्डिंग एक ही होती है ये हमेशा ध्यान में रखिए क्वेश्चन में मैं परसेंटेज वाइज के बेसिस पे बता रहा हूं आपको कि जी के पास यहाँ पे होल्डिंग होगी ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ ठीक है सो so, या तो जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहा है या फिर गामा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहा है कोई एक तो ऊपर में बैठा हुआ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहा है तो आपको एग्जेम्शन मिलेगा चौथा अगर आपके हंड्रेड परसेंट शेयर किसी के पास है जैसे जीडी के हंड्रेड परसेंट शेयर जी के पास है तो आप एक्जन अवेल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब अल्टीमेटली देखा जाए तो गामा लिमिटेड के पास पूरे हंड्रेड परसेंट शेयर है यहाँ पे यहाँ पूरे के पूरे शेयर गामा के पास है ना इंडायरेक्टली भी होगा ना गामा के पास सिक्सटी परसेंट जी के थ्रू फोर्टी परसेंट डी के थ्रू So, मैं बोल सकता होली ऑन सब्सिडियरी बोल सकता हूँ तो चारों सेटिस्फाई होना चाहिए ध्यान रखिए या फिर अगर आप होली ओन सब्सिडियरी नहीं हो अगर आप होली ऑन सब्सिडियरी नहीं हो तो आपके जो रिमेनिंग शेयर जिनके पास है हमारे एग्जाम्पल में डी हमारे एक्साम्पल में डी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलेंगे हम उनको

दूसरा आपकी डेड भी लिस्टेड नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग भी नहीं होना चाहिए तीसरा आपकी ऊपर बैठी हुई कोई ना कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बना रही है चौथा आपका आ, जो अगर आपकी आप होली ओन सब्सिडियरी है और अगर आप होली ओन सब्सिडियरी नहीं है तो आपके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर जिनके पास है उनको कोई आपत्ति नहीं है आपके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने से ठीक है क्लियर

यहां से हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है गामा लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ग्रुप फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2019 एंड टू गिवन इज एज अंडर आपको प्रॉफिट दिए अदर कॉम्प्रीनसिव इनकम टोटल कॉम्प्रीएंसिव इनकम एनसीआई एंड टोटल अब देखो ग्रुप का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन रहा है वो ऐसा बता रहे हैं आपको द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइज द फॉलोइंग 20 लाख इक्विटी शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड कंपनी हैज इशूड फाइव लाख इक्विटी शेयर ऑन फर्स्ट जुलाई इस साल के दौरान आपने शेयर इशू किए इस साल के दौरान आपने शेयर इशू किए फर्स्ट जुलाई ठीक है एट लैक इर रिडीमेबल प्रिफरेंशे इर रिडीमेबल आपको क्या लगता है इर रिडीमेबल प्रिफरेंशेस मतलब क्या आप इसे डेट क्लासीफाई करोगे या आप इसे इक्विटी क्लासीफाई करोगे बताइए जरा बताइए जरा आप इसे डेट क्लासीफाई करेंगे या आप इसे इक्विटी क्लासीफाई करेंगे बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है एक बार मैसेज करके बताइए मुझे आप लोगों को क्या लगता है आप इसे डेट क्लासीफाई करेंगे या इक्विटी क्लासीफाई करने वाले हैं इन रिडीमेबल है पहली बात रिडीम नहीं करना है पैसा नहीं देना है डिविडेंड के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है दो क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है पर ये क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है नहीं दिया है जब कुछ नहीं दिया रहता अज्यूम देम टू बी नॉन ऐसे केस में आप इनको भी इक्विटी ही क्लासीफाई करते हैं

ध्यान दीजिए हमारा ये वाला जो साल ईयर एंड हुआ है वो थर्टी फर्स्ट मार्च नाइन है डेट्स का बहुत ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपकी छोटी सी गलती आप लोगों के पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे ठीक है तो अप्रैल सेवनटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहां पे बोलूं तो सेवनटीन एटीन ट्वेंटी बोलू तो सेवन टी टी वन फोर ईयर के लिए बॉन्ड इशू हुआ है होल्डर

आपके पूरे मार्क्स गए पूरे मार्क्स गए आप समझ रहे हैं क्या गड़बड़ हो सकती है तो इंस्टीट्यूट मतलब किसी भी लेवल पे आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है अब ये टाइपिंग एरर था इंस्टीट्यूट की तरफ से या कंफ्यूजन था इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूं बट ये फाइव ईयर का आपको यूज नहीं करना है ठीक है हमें फोर ईयर का यूज करना है इन दर टू थाउजेंड नाइनटीन गामा लिमिटेड डिक्लेयर एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ टेन पैसा एंड डिविडेंड ऑफ फाइव पैसा पर शेयर फॉर इर रिडीमेबल प्रिफरेंशेस ठीक है तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ लिया सॉरी केस स्टडी पढ़ ली है हम जा रहे हैं क्वेश्चन पे ठीक है कमिंग डाउन टू थ्री पॉइंट सेवन बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडेड अबव लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब डिबेंचर्स वाला कंप्यूट द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट पॉइंटीन ध्यान दीजिए फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन को इशू हुआ था मार्च यानी दो साल बाद दो साल बाद आप सिर्फ एक साल की अकाउंटिंग कर गए ना फिर मार्क्स गए ठीक है थीके? संभल के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा टू बी प्रेजेंटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है अज्यूमिंग आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कहा गया मेरा क्वेश्चन ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो मुझे बताइए इंटरेस्ट को डिस्काउंट करते समय मैं पीवी फैक्टर यूज करूंगा या एन्यूटी फैक्टर यूज करूंगा इंटरेस्ट के लिए पीवी फैक्टर या एन्यूटी फैक्टर और प्रिंसिपल के लिए पीवी फैक्टर या एन्यूटी फैक्टर इंटरेस्ट के लिए पीवी फैक्टर या एनूटी फैक्टर और प्रिंसिपल के लिए पीवी फैक्टर या एन्यूटी फैक्टर क्या यूज करना चाहिए मैं फैक्टर नहीं पूछ रहा हूं आप मुझे ये बताइए कि एन्यूटी फैक्टर पढ़ाना है कि पीवी फैक्टर को कवर करना है बस ये बताने की कोशिश कीजिए मुझे ठीक है <coughs> बताइए बताइए ट्राई कीजिए मैं थोड़ा बहुत अमाउंट लिख लेता हूं सिक्स परसेंट है डिवेंचर्स है सिक्स परसेंट जब तक के मैं लिख रहा हूं तब तक के आप आंसर बताइए मुझे एटीन करोड़ सिक्स परसेंट वन पॉइंट जीरो एट करोड़ फोर ईयर्स प्रिंसिपल आई बिलीव कोई प्रीमियम नहीं है हाँ भाई इंटरेस्ट एन्यूटी फैक्टर वेरी गुड प्रिंसिपल एन्यूटी फैक्टर विल बी रॉन्ग प्रिंसिपल पे एन्यूटी फैक्टर नहीं लगेगा मैं बताऊंगा आपको पीवी फैक्टर फॉर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ थोड़ी सी गलती है देखो मैं हो सकता है शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं ठीक है पीवी फैक्टर प्रिंसिपल के लिए लगेगा समझिए प्रिंसिपल के लिए क्यों प्रिंसिपल सिर्फ चार साल बाद दे रहे हैं आप सिर्फ चार साल बाद दे रहे हैं सिर्फ वन शॉट पेमेंट है ना एक ही बार पेमेंट होगा तो पीवी फैक्टर फॉर प्रिंसिपल फैक्टर फॉर प्रिंसिपल इंटरेस्ट हर साल दे रहे हैं हर साल दे रहे हैं रिपीट है सेम अमाउंट है इसीलिए इंटरेस्ट के ऊपर फैक्टर ठीक है समझ में आया कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को आ, यहां पे लाइव चैट में लिख के बताइए मैं बताऊंगा आपको यहां पे एन्यूटी फैक्टर एट परसेंट यहां पे PV फैक्टर एट परसेंट और दिया हुआ नहीं यूज करना है हमें हमारा खुद का कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर पीवी फैक्टर ठीक है कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे बता दीजिएगा 1.08 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मैं एन्यूटी फैक्टर निकालता हूं आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा साथ साथ में ठीक है जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि एग्जाम में सिर्फ मैथमेटिकल एरर्स होते हैं मैंने इतने सारे पेपर्स जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं मुझे पेपर्स भेजते हैं तो जब पेपर्स भेजते हैं आप लोग भी आगे एग्जाम के बाद अगर कुछ भी डाउट रहा कुछ भी रहा या पास्ट एग्जाम इससे पहले जो एग्जाम्स दिए उनके पेपर्स आप मुझे भेज सकते हैं कैलकुलेशन एरर्स ही होते हैं ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं समझता कैलकुलेशन एरर होता है ठीक है जैसे इस क्वेश्चन में तो फाइव ईयर वाला इंस्टीट्यूट ने दिया वही यूज़ कर लिया ये बहुत स्टूडेंट्स ने किया था जिन्होंने जी एफ ऑप्ट किया था तो खैर फिलहाल थ्री पॉइंट थ्री वन टू ठीक है आप भी कैलकुलेट कीजिएगा इसे साथ साथ में एटीन पॉइंट सेवन थ्री फाइव अगर मेरी तरफ से कुछ भी मिस्टेक होगा यहाँ पे कैलकुलेशन में तो मुझे बता दीजिएगा ठीक है मुझे कुछ नए स्टूडेंट्स आते हुए दिख रहे हैं हम जी एफ आर एस का पेपर नवंबर नाइनटीन सॉल्व कर रहे हैं पर जीएफआरएस नहीं पढ़ रहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं पेपर वन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ठीक है कुछ भी कैलकुलेशन एरर होगा या कुछ भी होगा तो मुझे बता दीजिएगा ये आ रहा है सिक्सटीन पॉइंट एट जीरो सिक्स नाइन सिक्स करोर मैंने पूरे पांच डेसिमल लिया ऐसा कुछ नहीं फोर डेसिमल्स तक के चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ठीक है तो ये हो गया डेट बैलेंस हम इक्विटी को दे देंगे बैलेंस 18 करोड़ से माइनस करके निकलेगा वन पॉइंट वन नाइन थ्री फोर ठीक है कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछ लीजिएगा जीएफआरएस एफ नाइनटीन पेपर ओके अब मैं आप लोगों के सामने उन्होंने मांगा है थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन का इंपैक्ट थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन का इंपैक्ट थर्टी फर्स्ट मार्च 17 हमारा ओपनिंग है सिक्सटीन पॉइंट एट जीरो सिक्स नाइन सिक्स ठीक है ये थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन रहेगा सॉरी अगला रहेगा थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन तो 16.80696 इनटू 8 परसेंट मेकिंग इट 1.3445 पॉइंट आप जो पे कर रहे हैं वो है 1.08 करोड़ अच्छा मैंने यहाँ प्रिंसिपल लिखा है मैं ऐसे काट के रीपेमेंट कर देता हूँ नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है 1.08 करोड़ करोर माइनस हो जाएगा दिस इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप अपने पीएनएल में दिखाएंगे ध्यान रखिए एट परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस में दिखाएंगे आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस ब लेकर तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ठीक है वो देख लीजिएगा अब तो पूरी प्लेलिस्ट बन गई है मैंने जो भी वीडियोस आज तक डाले हैं उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहां से भी देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं रफली आज की क्लास के एंड तक हमारे 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इतना हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ठीक है क्लोजिंग विल बी 16.80696 पॉइंट एट जीरो सिक्स नाइन सिक्स प्लस वन पॉइंट थ्री फोर फोर फाइव माइनस वन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सेवन वन फोर सिक्स ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हुआ आपको नेक्स्ट ईयर के कॉस्ट वगैरह सब पूछे गए हैं आपको ये बताना है उन लोगों को वन पॉइंट थ्री सिक्स फाइव सेवन अगेन 1.08 सो सेवेंटीन पॉइंट प्लस थ्री सिक्स फाइव सेवन माइनस वन पॉइंट जीरो एट सेवनटीन पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू ठीक है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल दिखेगा इस क्वेश्चन का आंसर पार्ट वन क्वेश्चन का आंसर पार्ट टू ये क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा ठीक है सेवनटीन पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा अगर मेरा आंसर कहीं पे भी इंस्टीट्यूट के आंसर से थोड़ा सा भी अलग है मुझे बता दीजिएगा ठीक है मैसेज कर दीजिएगा मैं एक बार चेक कर लूंगा नहीं तो फिर मैं फिलहाल आगे बढ़ूंगा कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा कुछ भी डाउट होगा तो इमीजिएटली पूछेगा ठीक है फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन What is the analysis इज द with एंड रिकमेंडेशन विद noted टू इशूज नोटेड presented फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर statements एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन अच्छा एक मिनट ये ऊपर रह गया बेसिक एंड ईपीएस ये हटाता हूं मैं बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैं उसके ऊपर आ जाता हूं तो देखिए अब पहली बात जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या सर जो रिडीमेबल प्रिफरेंस है इन रिडीमे क्या वो भी ईपीएस का पार्ट होंगे बेसिक ईपीएस का पार्ट नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि उन लोगों का इनकम डिफाइंड है उनको कितना डिविडेंड मिलने वाला है वो डिफाइंड है डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है इसलिए उनके लिए उनका ईपीएस इज मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर उससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए उनको ईपीएस कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते पहली बात दूसरी बात जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है वो है आ, ये जो प्रिफरेंस अगर पार्टिसिपेटरी होते पार्टिसिपेटरी तो इन्हें भी ईपीएस में इनके लिए आने तब दो ईपीएस निकलते इक्विटी का अलग और पार्टिसिपेटरी का अलग अब वो कैसे निकलता है उसके लिए भी एक वीडियो डाला हुआ है तो प्लेलिस्ट में सुमितिपेटरी प्रिफरेंस काल्कुलर्टी थ्री पार्टिसिपेटरी एक, एक फिलहाल इसे इक्विटी के लिए नहीं लेंगे कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता दीजिएगा ठीक है राइट नाउ मूविंग अहेड थ इक्विटी कैलकुलेशन बेसिक ईपीएस के लिए हम लोग शेयर्स लेंगे ये ध्यान रखिएगा पांच लाख आपने इस साल इशू किए हैं ठीक है तो हमारा वेटेड एवरेज की अगर मैं बात करूं, weighted average तो होंगे ट्वेंटी है ये साल भर के लिए और फाइव करोड़ शेयर्स कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है बताइए जरा कीजिए कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है देखिए जरा आप लोगों का कैलकुलेशन कितना सही आता है और सिर्फ नौ महीने मत आ, सॉरी सिर्फ कैलकुलेशन मत बता मंथ्स मत बताइए ये भी बताइए कितना आ रहा है आपका वेटेड एवरेज जरा कैलकुलेशन देखिए मैं भी देखता हूँ आप लोगों का कैलकुलेशन कितना करेक्ट आ रहा है यहाँ पे कितना परफेक्ट आ रहा है ज़रा बताइए मुझे देखिए देखिए मैं भी मेरी तरफ से कैलकुलेशन करके रखता हूँ देखिए देखिए आया क्या ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोर पे आया मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव करोर शेयर so now अगला कंसेप्ट जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलिए मैं ही आप लोगों को पूछता हूं फिर बाद में सॉल्व तो मुझे करना ही है आपको क्या लगता है ईपीएस कैलकुलेशन करते समय ईपीएस कैलकुलेशन करते समय क्या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी लिया जाता है ईपीएस का कैलकुलेशन करते समय क्या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी लिया जाता है मतलब मेरा सवाल यह है कि प्रॉफ़िट कौन सा लेना चाहिए थर्टी नाइन या फोर्टी टू हाँ वो अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम लेते हैं अच्छा हाँ ये भी सवाल है फोर्टी फोर फोर्टी सेवन अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम लेना है कि नहीं लेना है आप लोगों को क्या लगता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना है क्या दूसरा अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम लेना है क्या ईपीएस कैलकुलेशन के लिए आपको क्या पता है बाद में मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ ठीक है ना आप लोगों को क्या लगता है क्या लेना चाहिए बताइए बताइए देखिए आप लोग भी जब आंसर देंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको क्या लगता है मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को क्या लगता है और मैं उस हिसाब से कंसेप्ट कंसेप्ट सकता हूँ वैसे भी समझाता हूँ बट क्या होता है एक बार का एक टेस्टिंग हो जाती है और कुछ नहीं है तो एक बार का जरूर ट्राई कीजिए आंसर बताइए एक बार क्या ईपीएस कैलकुलेशन के लिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर भी लेना है अदर लेना है दो सवाल है एनसीआई लेना है क्या ओसीआई लेना है क्या ठीक है एनसीआई ओसीआई दोनों लेना है क्या ओके okay. एक बातें कुछ ध्यान में रखिए हम जब ईपीएस निकाल रहे हैं तो हम हमारा ईपीएस का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं लेते जब हमें ईपीएस कैलकुलेशन करना है ये बात ध्यान में रखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपना हिस्सा अपने साथ लेके जा रहा है तो इसीलिए हम ईपीएस हमारा निकालते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है पहली बात दूसरी बात EPS calculation में सिव इनकम नहीं लिया जाता ईपीएस में नहीं नहीं लिया जाता। ठीक है? है। ये लेना थर्टी नाइन थाउजेंड होगा तो पूछेगा मुझे बताइएगा ठीक है कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा और कुछ भी डाउट है तो ये भी मैसेज कीजिए मेरे को ठीक है आप लोग गलत हो सकते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप गलत हो सकते हैं पर कंसेप्ट को कंसेप्ट में समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए अपना मेन टारगेट बस ये यह यहां भले गलती हो जाए एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए ठीक है ओके दूसरा सवाल और ये स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम गलती करते हैं आपको डिविडेंड दिया हुआ है मैं दोनों का डिविडेंड का कैलकुलेशन कर लेता हूं आपको डिविडेंड दिया हुआ है यहां पे आपने ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया दस पैसा दस पैसा पच्चीस करोड़ शेयर्स है दस पैसा मतलब पच्चीस लाख ठीक है टेन पैसे पर शेयर पच्चीस करोड़ यानि ढाई करोड़ पच्चीस लाख नहीं ढाई करोड़ ढाई करोड़ टू पॉइंट फाइव करोड़ और पॉइंट जीरो फाइव हमने दिया है इिडीमेबल प्रिफ्रेंस है इसको तो पॉइंट जीरो फाइव पर शेयर एट करोड़ एंड टू पॉइंट जीरो फाइव पर शेयर मेक्स इट फोर्टी लैक्स फोर्टी लैक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फिगर्स इन थाउजेंड है थ्री नाइन्टी लैक्स हमारा इक्विटी का डिविडेंड है फोर्टी लैक्स और हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है सॉरी इक्विटी का डिविडेंड है टू पॉइंट फाइव करोर यानी टू फिफ्टी लैक्स और इक्विट प्रिफरेंस का डिविडेंड है फोर्टी लैक्स आपको क्या लगता है ईपीएस के लिए अपन ने इन दोनों में से किसी को भी डिडक्ट करना चाहिए क्या येस या नो बोल के बताओ यस yes या नो no? बोल के बताओ आपको क्या लगता है कि इक्विटी या प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो हम लोगों ने डिडक्ट करना चाहिए क्या ठीक है बताइए बताइए रेयर गेमिंग आपने एक आंसर लिखा है इक्विटी मुझे समझ में नहीं आया आप इक्विटी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लाई मतलब कुछ कंफ्यूजन होगा तो वापस से मैसेज कर दीजिएगा और कुछ नहीं ठीक है हाँ भाई डिविडेंड मुझे बताइए आपको क्या लगता है टू फिफ्टी लाख या फोर्टी लाख डिविडेंड डिडक्ट करना है हाँ या नहीं और अगर आपको लगता है नहीं कोई एक ही करना है सिर्फ इक्विटी का करना चाहिए सिर्फ प्रेफरेंस का करना चाहिए तो वो लिख के बताइए मुझे कि सर सिर्फ इक्विटी का करेंगे या सिर्फ प्रेफरेंस का करेंगे ऐसा लिख के बताइए ठीक है आपको क्या लगता है डिविडेंड किसका माइनस करना चाहिए बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक ईपीएस ओके मूविंग अहेड नाउ इक्विटी कभी नहीं करते क्योंकि अर्निंग पर शेयर इक्विटी होल्डर्स के लिए ही निकाला जाता है इक्विटी होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है पर प्रफरेंट डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड अगर डिक्लेयर्ड है जैसे इस क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड है तो डिडक्ट किया जाता है तो डिडक्ट किया जाता है ठीक है समझ गए यानी थ्री फिफ्टी लैख रुपीज का हम लोग अर्निंग लेंगे ईपीएस कैलकुलेशंस के लिए थ्री फिफ्टी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा ठीक है थ्री फिफ्टी लैक्स आप में से कई लोग मैं देख रहा हूँ आंसर नहीं कर रहे हैं अरे आंसर करो यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्राई तो करना है ना ज्यादा ज्यादा क्या होगा गलत होगा किसको क्या फर्क पड़ता है उस बात से ठीक है थ्री फिफ्टी लैक्स प्रिंसिपल पीवीएफ इंटरेस्ट एन्यूटी ओके 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 तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक ईपीएस की आप लोगों से बात करूँ तो बेसिक ईपीएस के लिए 350 फिफ्टी लैक्स डिवाइडेड बाय हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे कुछ 23.75 23.75 मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पे 23.75 को मैं लिखूंगा 23.75 थ्री सेवन वो क्रोर्स में थे वो क्रोर्स में थे ठीक है सो थ्री फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू मेकिंग इट पॉइंट वन तो ये हो गया आपका बेसिक ईपीएस क्लियर है बेसिक ईपीएस कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो मैसेज कीजिएगा अब मैं आ जाता हूं डाइल्यूटेड ईपीएस पे डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए मुझे बताइए जब ये जो प्रॉफिट निकला है ये बात ध्यान रखिएगा यहां जो प्रॉफिट दिया ना थर्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड जो भी प्रॉफिट दिया है दिस इज पोस्ट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट वो जो डेट कंपोनेंट पे इंटरेस्ट था

यहां पे देख लेता हूं कोई टैक्स रेट दिया है क्या ओके okay, मुझे कोई टैक्स रेट दिख नहीं रहा है बाय चांस क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा फिलहाल मैं कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली इसी बेसिस पे बता रहा हूं ठीक है डिवाइडेड बाय ऑलरेडी आपके टू थ्री सेवन फाइव शेयर है प्लस द ऑफरिंग दैट इज गिवन टू दिस डेट ऑफरिंग्स जो आपने इन डेट वालों को दी है वो है कन्वर्टेबल इनटू कितने शेयर्स है टेन करोर ऑर्डनरी शेयर्स टेन करोर ऑर्डनरी शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू टेन करोर ऑर्डनरी शेयर्स ठीक है मिला आप लोगों को तो मैं यहाँ पे टेन करोर ऑर्डनरी शेयर्स ले लूंगा थाउजेंड अब बाई चांस टैक्स रेट दिया रहता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता था बैलेंस से जैसे थर्टी परसेंट टैक्स रेट है तो इसे सेवेंटी परसेंट से मल्टीप्लाई करता था क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो लग जाता टैक्स तो अपने जेब से चला जाता ना तो वन थर्टी सिक्स फाइव सेवन इंटरेस्ट लगना बंद प्रॉफिट बढ़ा पर प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स लग गया ठीक है तो टैक्स उतने से अपन रिड्यूस कर दिए रहते थे ठीक है कुछ भी डाउट रहेगा कुछ भी रहेगा तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे इमीडिएटली फिलहाल यहाँ पे ये हो जाता है थ्री फिफ्टी प्लस वन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सेवन डिवाइडेड बाई 3375 मेकिंग इट अगेन पॉइंट वन ही आ रहा है रफली बट ठीक है वहां से बेसिक ई से कम ही है ये बी पी बेसिक ई 147 था ये 144 है इसीलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर होगा मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की आप लोगों के साथ में यहाँ पे ठीक है कुछ भी डाउट रहेगा कुछ भी रहेगा यहाँ मैसेज कर दीजिएगा चलिए ठीक है अगर आपको यहाँ पे मैसेज नहीं करना है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं बाद में आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा कुछ भी रहेगा तो ठीक है पर हर वीडियो में एक बात ध्यान रखिए हम हर रोज सुबह एक वीडियो ला रहे हैं तो अज्यूमिंग कि आप ये वीडियो हर रोज देखेंगे अभी सुबह नहीं देखेंगे तो शाम को देखेंगे जिस दिन का वीडियो है उस दिन के डाउट्स उसी दिन पूछ लीजिए नहीं तो क्या होता है जैसे आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ मेरे लिए ठीक है मैं जब उसको नेक्स्ट डे दे देखता हूँ ना तो मैं भी भूल जाता हूँ कि पता नहीं क्वेश्चन क्या था फिर मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है ओपन करके पूरा का पूरा सर्च करना पड़ता है तो इसीलिए जिस दिन का वीडियो है उसी दिन उसका डाउट मुझे इमीजिएटली पूछ लीजिएगा इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू रिप्लाई इमीजिएटली ठीक है चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की तरफ जा रहा हूं मैं इस जी एफ आर एस के पेपर में जो सबसे लास्ट केस स्टडी है ना वो बहुत ट्रिकी आई है मतलब पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है अभी हम लोग लास्ट केस स्टडी पे नहीं आए आज मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा कि हम लोग केस स्टडी तक के पहुंचेंगे लास्ट वाली बट वो वाली बहुत ट्रिकी केस स्टडी आई थी ठीक है तो जब वो सॉल्व करेंगे तो वो वाला वीडियो यानी कल का वीडियो में रहेगा कल का वीडियो जरूर जरूर अटेंड करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्ट लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंदर ठीक है कमिंग डाउन टू फर्स्ट क्वेश्चन फिर बाद में ढूंढ लेंगे ग्लोबल लिमिटेड सर वाई शुड वी ट्राई टू सॉल्व आई एफ आर एस रिलेटेड केस लॉज ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस्टर नागार्जुन आई हैव This video is basically solving GFRS papers, not IFRS. GFRS papers in which only Indian Accounting Standard questions asked. आप सारे questions देख लीजिए, only Indian Accounting Standard questions have been asked. Okay? So इसीलिए इनको solve करने से आपका बहुत बड़ा question bank बनेगा. Another reason. Till now whatever questions that I have solved, मैंने अभी तक जितने भी questions solve किए, उनमें से आप देख लीजिए maximum MTP, RTP, past में जितने exams आए हैं ंड्रेड परसेंट उनमें आए हैं ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट उसमें इस बार की आर टीपी देख लीजिए इस बार की एम टी पी उठा के देख लीजिए ये केस स्टडीज में से आपको कितने सारे मिल जाएंगे एंड दिस इज प्योरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जीएफआरएस के क्वेश्चन करें मैं जबरदस्ती सॉल्व नहीं करा रहा ये बोल के कि देखो देखो ये सब आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है अरे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ठीक है और प्लस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक हम लोगों का साथ में तैयार हो जाता है ओके आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर डाउट

मैं एक बार वहाँ पर डायग्राम बना देता हूं क्योंकि मैंने शायद वहां पे रब कर दिया था वहां पे था गामा गामा के अंदर दो लोग थे जी और डी और जी और डी के पास मिला के जी डी था जी के पास सिक्सटी परसेंट शेयर्स थे डी के पास फोर्टी परसेंट शेयर्स थे ठीक है अब जी इज द होल्डिंग कंपनी तो जी डी अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कब नहीं बना सकता जी लिस्टेड नहीं होना सॉरी जी डी लिस्टेड नहीं होना चाहिए पब्लिक या डेट कुछ भी

स फॉर मिस्टर एक्स वाला रेलिवेंस नहीं बनता एका दिन मैं एक सेशन रखूंगा पूरा का पूरा सिर्फ डाउट सोलविंग का मैं आप लोगों को पहले से इंटीमेट कर दूंगा कि वो कौन सा वाला दिन रहेगा उस दिन आप लोग आके सिर्फ अपने डाउट पूछिए मैं सारे के सारे डाउट कवर कर लूंगा या राधर एक दिन पहले आप मुझे पूरे के पूरे डाउट्स की लिस्ट भेज दीजिएगा मैं उस दिन के वीडियो में सिर्फ उन डाउट्स को कवर करूंगा तो एक दिन ये भी लेंगे ठीक है और मैं पूरे के पूरे डाउट्स आप लोगों के कवर भी करके दूंगा डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट चलिए कमिंग डाउन ये डेट इक्विट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जब भी आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं मैं फाइनेंशियल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझा रहा हूं जब भी आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं चार कंडीशन अगर सेटिसफाई होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन है चार कंडीशन तो इसे अमोटाइज मेथड अकाउंटिंग होती है पहला मेच्योरिटी डेट पता है दूसरा प्रिंसिपल फिक्स्ड है तीसरा इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है चौथा बिजनेस मॉडल टेस्ट आपको आ, जो मतलब आपका इंटेंशन है बिजनेस मॉडल है कि आप मेच्योरिटी तक इसको होल्ड करेंगे जब भी आप डेट वर्ड पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ सर मेच्योरिटी पता है हाँ सर मेच्योरिटी पता है ठीक है पर ये म्यूचुअल फंड है मुझे बताइए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स देते हैं क्या इनकी मेच्योरिटी डेट होती है ये yes या नो no करके आंसर बताइए क्या इनकी मेच्योरिटी डेट होती है एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए क्या है आप लोगों के लिए ही मैं बहुत सारी बातें फिर यहां पर उस तरह से कवर करता हूं क्या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की मैच्योरिटी डेट होती है यस yes या नो no करके बताइए बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं मेच्योरिटी <coughs> डेट yes, no. okay. नहीं होती मेच्योरिटी डेट नहीं होती आ, ये सामान्य सी बात है आप लोगों को नहीं पता है पर हम लोग अब एक बार आप सीए बनेंगे तब जाके तो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे ना अभी आप लोग इक्विटी मार्केट वगैरह में तो भी इन्वेस्ट करते होंगे एसएफएम के साथ साथ पर डेट मार्केट में आप लोग जनरली नहीं करते देखिए जैसे इक्विटी का यूनिट चलता है ना म्यूचुअल फंड मार्केट वैसे ये लोग भी चलते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं ये दूसरे लोगों के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं रिलायंस का डिबेंचर खरीद लिया इन्होंने या इन लोगों ने किसी और कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था अबाउट दिस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ठीक है आने वाले दिनों में मैं एक और बार उसे कवर करूंगा उनके भी कुछ डेट फंड थे जिन्होंने उन्होंने क्लोज किया था उन्होंने एडलवाइज वगैरह बहुत सारी कंपनीज को इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स दिए थे ठीक है किरण जैन आपकी तरफ से कोई गलती होती है या कुछ भी होती है ना उसका टेंशन मत लो आप लोग मैसेजेस डिलीट क्यों करते हो गलत है तो गलत है ना यार छोड़ो ना क्या फर्क पड़ता है कोई आपको पर्सनली आके मैसेज थोड़ी करेगा कि अरे यार तुमने गलत आंसर दिया था छोड़ो ये सब मैसेज रिट्रैक्टेड जाने दो तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पे आ, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में कोई भी डेट वगैरह के अंदर में आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में वो लोग क्या करते हैं जैसे ही एक फंड मेच्योर होता है दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं यानी एक डिबेंचर मे्योर हुआ दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया दूसरा मेच्योर हुआ तीसरे में इन्वेस्ट कर दिया जब आप ऐसे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता कि मेच्योरिटी डेट क्या है ओपन एंडेड है आपको चार साल बाद पैसे वापस चाहिए आप उनसे पैसे वापस मांग लो क्लोज एंडेड है तो वो लोग एक डेट देंगे उस डेट पे पैसे मिल जाएंगे कितने मिलेंगे आपको भी नहीं पता वो लोग एक रफ आइडिया देते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट कमाएंगे बट प्रिंसिपल इज नॉट नोन मेच्योरिटी इज नॉट नोन मेच्योरिटी प्रिंसिप डेट इज नॉट नोन आई होप इट इज क्लियर ठीक है कुछ भी डाउट होगा इसके ऊपर मुझे लिख के भूजिएगा सर डाउट ठीक है लिख के भेज दीजिएगा मैं वापस से ट्राई करूंगा इसको समझाने की यहाँ मेचोरिटी डेट नहीं पता यहाँ मेच्योरिटी डेट नहीं पता तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए या तो एफ सी आई होना चाहिए या या तो FEOCI होना या फिर होना चाहिए चाहिए फिर पर क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो टू मेक इट मोर क्लियर म्यूचुअल फंड के अंदर में जनरली कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है देखिए आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म आप डेट में इन्वेस्ट कर दीजिए आप म्यूचुअल फंड के डेट के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जनरली ट्रेडिंग पर्पज के लिए अकाउंटिंग

Loan B of 10 crore at 9%. Company constructed a new factory for which 12 crore and was funded out of existing borrowings. Existing borrowings. Factory took 7 months to complete. Factory took 7 months to complete. और फिर उसके बाद कुछ हेयर की बात कर रहा है मतलब ये यह क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा आपको क्या लगता है देखो स्टार्टिंग में बोला आपके पास कुछ बोरिंग्स है एटी नाइन में लोन ए है आपके पास एट परसेंट पे लिया हुआ लोन बी लिया हुआ है नाइन परसेंट पे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और ये कंस्ट्रक्शन आपने एग्जिस्टिंग बोरिंग से खत्म कर दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी थ्री बोरिंग कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट आपको बोलता है कि ये वाला जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है यहाँ पे दो तरीके के कैपिटलाइजेशन होते हैं स्पेसिफिक बोरिंग जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग मतलब एक्टिविटी के लिए लिया हुआ पैसा है उसके लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो पूरा पूरा जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता रेडी टू यूज तब तक कैपिटलाइज होगा तब तक पूरा पर जनरल बोरोइंग पे पे वेटेड एवरेज रेट कैपिटलाइजेशन होता है मतलब वो लोन स्पेसिफिकली इस एक्टिविटी के लिए नहीं लिया गया था इस क्वेश्चन में आपको दोस्ट दो लोन दिए हुए हैं आपको क्या लगता है मुझे ये लिख के भेजिए जनरल है, है या बोरोइंग है जनरल uh, है या स्पेसिफिक है जी या एस लिख के भेज दीजिए आपको लगता है जनरल है तो जी लिख के भेजिए आपको लगता है स्पेसिफिक है तो एस लिख के भेजिए ठीक है थीके? जी या एस ठीक है आपको क्या लगता है जी या एस लिख के भेजिए जरा सा जो दो लोन है वो जनरल है या स्पेसिफिक है जी या एस जनरल बोरिंग जनरल, वेरी गुड ये जनरल बोरिंग है आप सभी लोग सही है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हाँ ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ गया होगा ठीक है तो मूविंग अहेड वेटेड एवरेज रेट लिख लेगा अब वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता है इसको समझ लीजिए एक पाँच करोड़ का लोन है एक दस करोड़ का लोन है पाँच करोड़ का लोन आठ परसेंट पे है दस करोड़ का लोन नौ परसेंट पे है दोनों का सिंपली पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे फाइव इंटू एट परसेंट पॉइंट फोर टेन इंटू नाइन परसेंट पॉइंट नाइन ठीक है 1.3 और 15, 1.3 और 15, 1.3 डिवाइडेड बाय 15 अगर मैं करूं तो यानी ये वाले इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल लोन कर लीजिए जो रेट आ रहा है 8.67%, 8.67% परसेंट परसेंट ठीक है ये रेट पे कैपिटलाइजेशन होगा ये रेट पे कैपिटलाइजेशन होगा एक बार अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लीजिए आपने फैक्ट्री पे खर्चा किया है बारह करोड़ बारह करोड़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.67, 8.67. बताइए कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए देखिए जरा कैलकुलेट करके कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए देखिए जरा कैलकुलेट करके कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए <laughs> ड्रेड एंड थ्री पॉइंट नाइन नाइन ओके देखिए एग्जाम में आप क्या गलती कर सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में एक बात बताई गई है सेवन मंथ्स दिख रहा है सेवन मंथस और ये एग्जाम में छूट जाता है मैंने पहले सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ के बता दिया था ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि एग्जाम में आप लोग भी ये गलती करते हैं मतलब ये सारे के सारे वो पेपर्स है जो मैं स्टूडेंट्स के देख चुका हूँ और ये ये गलतियाँ की है स्टूडेंट्स ने इसीलिए मैं बहुत बार ऐसा छोड़ देता हूँ उसे ठीक है तो आप लोगों को ये वाली बातें समझना बहुत ज़रूरी है यस वेरी गुड पॉइंट सिक्स ज़ीरो सिक्स नाइन हमारा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है डी सिक्सटी पॉइंट सिक्स सिक्स लैक्स सिक्सटी पॉइंट सिक्स सिक्स लैक्स ठीक है तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा प्लीज ये गलती मत कीजिएगा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ आप सिर्फ कैलकुलेशन एरर करते हैं एग्जाम में और कुछ नहीं करते सिर्फ कैलकुलेशन एरर होता है आप लोगों की तरफ से कमिंग डाउन टू नेक्स्ट वन फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन के लिमिटेड डेजिग्नेटेड एट एफ वी ओसीआई द फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेज अब ये पहले तो देखते हैं एफ वी ओसीआई क्या है के लिमिटेड क्या है ये हमें ये लास्ट वाला पेरा दिख रहा है लास्ट वाला पैरा कंपनी परचेज वन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ के लिमिटेड वन थाउजेंड फर्स्ट अप्रिल्स द इन्वेस्टमेंट वॉज अ स्ट्रैटेजिक नेचर विथ नो इमीजिएट प्लान टू सेल द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड टू यूज द इल इलेक्शन अंडर इंडिया टू डेजिग्नेट दिस इन्वेस्टमेंट एट एफ सी आई तो है क्या इक्विटी है क्या इक्विटी और इसकी अकाउंटिंग होना चाहिए एफई सी आई सबसिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू इक्विटी में जाना चाहिए

आपको क्या लगता है? होना चाहिए, होना चाहिए? से कोई एक लिखिए आई लिखिए आपको लगता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सक्लूड होना चाहिए ई लिखिए आई या ई e? आई या ई e? उसके बाद में मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं क्वेश्चन क्या मांग रहा है आई या e? बताइए जरा कुछ मुझे नए स्टूडेंट्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं हम लोग जीएफआरएस का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं पर जीएफआरएस नहीं पढ़ रहे हम न्यू सिलेबस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही पढ़ रहे हैं पूरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है यहाँ पे ठीक है ई एक्सक्लूड होना चाहिए ई एक्सक्लूड होना चाहिए ओके okay. एक बात ध्यान रखिए जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं क्या बोल रहा था मैं जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं एफ बी ओ सी आई के अंदर फाइनेंशियल एसेट की या फाइनेंशियल लाइबिलिटी कुछ भी हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमेशा एड होता है एड होता है इंक्लूड इंक्लूड समझ में आ रहा है एड होता है financial assets में add, financial liabilities में minus. Minus करने को भी include करना ही बोलते हैं। दोनों केस में इंक्लूड होता है ये बात ध्यान है, ध्यान रखिए, रखिए। ठीक है सिर्फ एफ एल इज केस जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है अमोटाइज कॉस्ट एफ सी दोनों में इंक्लूड किया जाता है ठीक है दोनों में इंक्लूड किया जाता है ये बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए ठीक है ओके कमिंग डाउन टू द क्वेश्चन क्या करना है क्या करना है इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग विल ऑलवेज रिकॉर्ड थ्रू इक्विटी यस एंड रियलाइज टू पी एन एल इवन वेन सोल्ड रिकॉर्ड थ्रू इक्विटी हेल्ड बाय द कंपनी बट रियलाइज टू पी एन एल वेन सोल्ड इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ठीक है विल बी रिकॉगनाइज इन पी ओर एल वेन इट इज हेल्ड एंड वेन इट इज सोल्ड ये तो गलत ही है एफ ईओ सी आए तो पी ओर एल में आ ही नहीं सकता विल रिकॉर्ड थ्रू पी ओर एल ये भी गलत है जब आप इस इक्विटी को बेचेंगे जब आपने एक ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स को बेचा तो देखो अब तक क्या हो रहा था जैसे कि सपोज कीजिए एक लाख में खरीदा वैल्यू तीन लाख हो गई एक लाख में खरीदा वैल्यू तीन लाख हो गई दो लाख से बढ़ गई दो लाख से बढ़ गई आपने दो लाख को अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम में डाल दिया आपने दो लाख को यहां से हटा के अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम में डाल दिया समझ गए क्या हुआ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम से फेयर वैल्यू रिजर्व में गया एक रिजर्व बना फेयर वैल्यू रिजर्व वहां पे गया अब आपने इसे तीन लाख में बेच दिया है कि ये आपका पीएनएल में जाना चाहिए बी पार्ट बोल रहा है आपको रिजर्व में जाना चाहिए पी या आर लिख के भेजिए आपको लगता है पीएनएल में जाना चाहिए तो पी लिखिए नहीं तो आर लिखिए देखिए कुछ चीजें मैंने आपको नहीं बताई पर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्यों मैं आपको कंसेप्ट तो समझा ही रहा हूँ पर ये सारी चीज़ें रिवाइज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है डैट इज़ और मैं जब सवाल पूछता हूँ ना और फिर मैं जब जवाब देता हूँ तो वो आपको याद रहती है राधा देन मैं डायरेक्टली बता दूँ वो आप लोग बाद में भूल जाते हैं इसीलिए मैं पहले आप लोगों को पूछता हूँ और फिर बाद में जवाब देता हूँ तो क्या होता है वो दिमाग में बैठ जाती है इसीलिए और कोई रीजन नहीं है तो इसीलिए प्लीज़ जवाब दीजिए पी पी में जाना चाहिए ओके आर रिजर्व में जाना चाहिए और बोलिए और कोई एफ पी ओसीआई के दो चीजें होती है एक होता है डेट एक होता है इक्विटी ये इक्विटी है ये इक्विटी है है डेट डेट वाला जो पोर्शन उसको जब आप बेचोगे तो उसके सारे फेयर वैल्यू डिफरेंस पीओर में जाते हैं सारे टू हमेशा पर इक्विटी के नहीं होते नहीं होते इक्विटी डायरेक्ट रिजर्व में जाते हैं जब आपने उस इंस्ट्रूमेंट को बेचा सो ए इज करेक्ट फॉर इक्विटी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ए है और बी वाला जो है वो डेट वाले केस केस में 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 एकदम सही में एकदम सही सही होता होता डेट वाले समझ में आ रहा है ये याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और मैंने देखे हैं पास्ट में इनफैक्ट मैंने अपने पहले के वीडियोस में तो ये कॉन्सेप्ट बताया भी है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ आज के वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ पहले के कुछ वीडियोस पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए भी हैं लाइव क्लास का बस ये एडवांटेज हो जाता है मैं पहले आपको पूछता हूं तो आप लोगों को याद रह जाता है ठीक है इसीलिए Uh, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंपेरेटिवली काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं वेरी गुड थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है सुबह छः से साथ क्लास कर रहे हैं और उसके बाद में एफ पढ़ने की जरूरत नहीं है मत पढ़िए एफ आर मेरी ये सुबह के सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिए और आगे बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए मैं 500 क्वेश्चंस करा दूंगा जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंग होता है अपने आप में ठीक है एंड यस मैं डाउट्स को क्लियर कर ही रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स के साथ में अपने दोस्तों को भी बुलाइए उनको भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मैं एस सच मेरी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है ठीक है मोर ओवर आप लोगों को कंसेप्ट पसंद आए होंगे जमा होगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोग हर रोज ये वीडियोस को डाल रहे हैं यहाँ पे ठीक है अन अकेडमी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है दूसरे टीचर्स भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे डालते जा रहे हैं आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं ठीक है कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आज के सेशन से रिलेटेड एट कल के वीडियो में मैं आपको डेट बता दूंगा कि मैं डाउट सेशन किस दिन ले रहा हूं उस दिन के पहले एक दिन पहले अभी से मुझे मत भेजिएगा एक दिन पहले मुझे डाउट्स की लिस्ट भेज दीजिएगा आप लो, आप लोग कि लोगों को क्या क्या डाउट्स है मैं वो पूरे के पूरे डाउट्स उस दिन के सेशन में सिर्फ वो सेशन में हम लोग सिर्फ वो डाउट्स को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपके और दूसरे स्टूडेंट्स के जैसे भी डाउट्स रहते हैं वो पूरे के पूरे डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे चलिए थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम